या तुम रहो या कुत्ते रहेंगे अब यहाँ पे। प्लीज ना, एक दिन बस, एक दिन बस, शट योर माउथ। बस लेके जाओ इनको, आज आखिरी है बस। अच्छा ना, आज आखिरी दिन है। अच्छा ना, ले जाओ, लेके जाओ इनको। अच्छा ना, अच्छा ना, बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस लेके जाओ आज इनको। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। भाई अभी बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 7, और 7 बजे आपका भाई हस्की भाई और हस्की बहन को घर से बाहर निकाल के टहलाने जाएगा। वजह इसलिए क्योंकि बच्चे जो है ना स्कूल गए हुए होते हैं। सुकून से आपका भाई हस्की भाई और हस्की बहन को टहला लेगा। चले फिर हस्की भाई और हस्की बहन टहलने के लिए। यार ये चेक करो, हस्की भाई और हस्की बहन ने पूरी की पूरी छत की ऐसी की तैसी कर दी। सीढ़ी इधर गिरा दी, नारियल इधर फेंक दिया, ये इधर कर दिया, ये सीढ़ी को पूरा टेढ़ा कर दिया, वहां पे अलग गंदगी मचा दी, मतलब पूरी छत की ऐसी की तैसी कर दी। साला ऐसी की तैसी इन लोगों ने की, और भुगत मैं रहा हूं। अम्मा मुझ पे इतना गुस्सा कर रही है कि मैं आपको क्या बताऊं यार। को ना आपके भाई ने आजाद छोड़ा हुआ है, इनको जहां दिल चाहता है वहां जाते हैं, पूरी छत पे। इसीलिए इन्होंने पूरी छत का ना कबाड़ा करके रखा हुआ है। भाई ये जो है ना इनका दरवाजा है, इनको खुला रखता हूं ना, अब ये जो है ना जैसे ही दरवाजा खुलता है वैसे ही भागते हैं। ये देखो अब नीचे भागने की कर रहे हैं ये लोग। ओ भाई साहब, अबे कहां जा रहे हो, रुक तो जाओ भाई। ये देखो ये तो बिल्कुल पागल हो जाते हैं। अरे भाई साहब, ये देखो भाई वॉशरूम करने का लिए ढूंढ रहा है, अब ये यहीं पे वॉशरूम करेगा, क्योंकि घर में ही तो ये वॉशरूम करते नहीं, इन लोगों को बाहर लेकर आना पड़ता है वॉशरूम कराने के लिए। इनमें इतनी पावर है कि मुझे ना खींचते हैं ये, ऐसे चल रहा होता हूँ ऐसे। ओ भाई साहब रुक जाओ यार, कसम से ये नहीं रुकते यार, फुल पावर से खींच रहे हैं। ये देखो मुझे फुल पावर से खींच रहे हैं, दोनों के दोनों फुल पावर से खींचते हैं। साला एक होता था फिर भी समझ जाता ना, दो हैं भैंस की आंख। अब ये चेक करो, बिल्ली इन्होंने देख ली है और ये बिल्कुल पागल हो गए बिल्ली देख के। ये देखो बिल्ली भाग रही है और बिल्ली के पीछे। ओ भाई साहब रोको इनको। ओ भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक है ये यार, ये लोग ना बहुत बदतमीज हो गए। इन लोगों ने स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ेगा, फिर इनकी बदतमीजी खत्म होगी। चलो क्लास में चलो, आज से तुम लोग पढ़ाई करोगे, इधर बैठो। तुम लोग इनकी सांसों की आवाज सुनो। ओ भाई ऐसे सांस ले रहे हैं। ओ भाई साहब, ओ भाई क्या हो गया तेरे को, इन्होंने मुर्गी और बिल्ली देख ली है, इस वजह से ये बहुत पागल हो रहे हैं। बैठ जा जमीन में बैठ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का, पागल हो रहे हैं भाई। भाई इन लोगों को सुबह के 7 बजे आपका भाई लेके निकला है, इसी वजह से पंचायती बच्चे नहीं है। मगर जब बच्चे होते ना भाई साहब, ये इतने पागल हुए होते हैं, मतलब उछल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। अभी सुकून से चिल मार रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाओ, चल आ जा, तेरे को शॉपिंग कराऊं। आ जा जल्दी वहां से हटो, ये काट लेगा। जल्दी वहां से हटो, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, जल्दी वहां से हटो। अबे क्या तुम लोगों को स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं ना, छुट्टियां चल रही है, मौत चल रही है फुल टाइम। अबे यार कसम से सुबह सुबह बच्चे पंचायती दोबारा से आ गए, मतलब बच्चों से कब जान छुटेगी? वो तो पता नहीं, कभी भी छुट जाएगी। सब तुम्हारे लिए ये चीज नहीं है, तुम लोग तो मुर्गी गोश्त खाने वाले हो। यार अंकल ये लोग इतना खर्चा कराते हैं, रोज 500 रुपए का खाते हैं। क्यों खिलाते हो इतना, मेरे पास भेजा करो, मैं इनको फ्रूट खिलाऊंगा। फल सलाई वाला, बोट सलाई वाला, तू वहाँ से हटो। अरे हट रहे मामा, हट रहे, हट रहे यार, हट रहे। गुस्सा मत करो यार। अबे यार गुस्से की बात है ये, खुद खेले भाई, काट लेंगे किसी को। अबे हटो भाई यार, हटो, हट जाओ भाई, जल्दी वहाँ से हटो। चपाल सलाई वाला। अबे यार थोड़ा सा तो रुक जा, क्या तुम लोग मेरे साथ नहीं हो क्या? अबे रुक तो जाओ, कंटेंट तो बनाने दो फात भाई को यार, थोड़ा रुको जरा, सबर करो, शॉपिंग कराने जाएंगे, लेट्स गो। आ जाओ चलो यार, माशाल्लाह भाई सब पता है इनको, कहाँ चढ़ना है कहाँ बैठना है। जल्दी वहां से हटो, हस्की वाला आ रहा है, जल्दी वहां से हटो। अरे जल्दी हटो गाइस, अभी हम इनके लिए ना बहुत सारा मुर्गी लेने वाले, मुर्गी, और वो बहुत मजे मजे से खाते हैं ये लोग। भाई हमारे हस्की भाई और हस्की बहन गाड़ी के अंदर है और आपका भाई मुर्गी लेने आया। यार 500 रुपए की मुर्गी दे देना। अरे एक तो इतना खर्चा है, 500 का सुबह के टाइम और 500 का शाम के टाइम ये लोग खाते हैं, मतलब कितना खर्चा हो गया यार आपके भाई का। भाई साहब रोज के 1000 रुपए का खर्चा होता है इन लोगों पर। भाई ये लें 500 रुपए, कभी फ्री में भी दे दिया करो यार, पहली फुर्सत में निकाल। भाई साहब इनकी शॉपिंग करके ना मैंने पैरों में रख लिया और ये फुल टाइम भूखे हो गए, मतलब चेक करो आगे आ गए, मैंने इनको पीछे फुल दौड़ते हुए आगे आ गए। अबे हस्की भाई बहन थोड़ा सा तो रुक जाओ, देता हूँ खाना, अब जल्दी से बॉईल करके इनको देंगे खाना। चलो आ जाओ गाइस। भाई इनको पता है रास्ता किधर है, ऊपर किधर से जाना है, ये देख रहे हो फुल, मतलब हर चीज पता है इनको। मैं अगर लूज भी छोड़ दूंगा ना तो ये खुद ही अपनी जगह पे जाएंगे। भाई इनका चिकन उबालने के लिए आपके भाई ने पानी भर दिया, अब जल्दी से इनका चिकन उबालते हैं। 500 रुपए का चिकन रोज खाते हैं, खाओ अब ये सारा का सारा खाना। 500 रुपए का चिकन आपका भाई अगर खाए ना तो ऐसे जान मुंज जाए। फुर्सत मिल गई तुम्हें ये सारे चक्कर करते हुए, 5 दिन हो गए बर्दाश्त करते हुए, अभी सफाई भी करनी है, नमाज पढ़नी है, इंसान को जगह चाहिए होती है। अरे मम्मा थोड़े दिन तो रखने देना, अभी रुक तो जाए ना थोड़ा सा, थोड़े दिन तो रोकने देना इनको, या तुम रहो या कुत्ते रहेंगे अब यहाँ पे।
छोड़कर उनको 5 दिन हो गए बर्दाश्त करते हुए। अम्मा थोड़े दिन और रखना है। नमाज पढ़ने की कोई जगह नहीं, बैठने की कोई जगह नहीं, क्या करे, कहाँ जाए बंदा। चिकन इतनी ला रहे हो तुम, खिला रहे, फिर वो उसको भी वोमिटिंग हो गई है, बिल्ले को कहाँ तक मैं बर्दाश्त करूँ। सब गंदगी हो रही है चारों तरफ, कहाँ बैठे उठे, कहाँ नमाज पढ़े इंसान, कुछ तो ख्याल करो। मम्मा थोड़े दिन तो रोकने देना, मम्मा प्लीज थोड़े दिन रोकने दे, बस आज ले जाओ, बस आज फाइनल। मम्मा थोड़े दिन, बस थोड़े दिन, थोड़े और दिन नहीं बर्दाश्त कर सकती मम्मा, थोड़े दिन रोक बेटा। पानी की नहीं है, पानी की सफाई करनी है, मुझे कितने काम पड़े हैं घर में। इनका थूक होता है ना, जरा भी कपड़ों पे लग गया ना तो नमाज भी नहीं होती, ना वजू होता है, बस तुम लोग इसी में। अरे वो तो मुझे पता है, नहाओ जाके। वो तो मुझे पता है ना, मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ, मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ। खतरनाक जरासीम होते हैं, तुम नहीं समझ रहे हो। नहीं, एक दो दिन की बात नहीं है, बस सब खत्म, आज लेके जाओ। मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज ना, एक दिन बस, एक दिन बस, शट योर माउथ, बस लेके जाओ इनको, आज आखिरी है बस। अच्छा ना, आज आखिरी दिन है, अच्छा ना, ले जाओ, लेके जाओ इनको, अच्छा ना, अच्छा ना, बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस लेके जाओ आज इनको। हद होती है। अबे यार अब क्या करूं, अम्मा ने पंचायत मार दी। एक तो इन लोगों को घर में भी नहीं रख सकता, अबे तुम लोगों को मैं घर में भी नहीं रख सकता। इनको घर में रखने से फरिश्ते भी नहीं आते, और इनका जो थूक होता है ना, अगर कपड़ों पे लग जाता है तो कपड़े नापाक हो जाते हैं, फिर नमाज नहीं होती। अबे यार अगर मैं इनको घर में रखूंगा ना, मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। हस्की भाई और हस्की बहन को ना पठान भाई को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि यार इनको मैं घर में नहीं रख सकता। अगर इन दोनों को मैं घर में रखूंगा तो मेरी अम्मा घर से बाहर मुझे निकाल देंगी। मगर यार अब मैं क्या करूं, इन दोनों को मुझे छोड़कर आना पड़ेगा। चलो यार बस इनके जाने का वक्त आ गया, चलो यार तुम लोग। ने हस्की भाई को पठान भाई के पास लेकर आ चुके हैं। पठान भाई अब क्या करें यार, अब आपको देना पड़ेगा यार ये। कोई बात नहीं, कोई और अच्छा घर ढूंढेंगे अब इसके लिए इंशाल्लाह। ये क्या कह रहे हो मामा? चॉकलेट। चॉकलेट है, चॉकलेट। दिखाओ जरा। ये बच्चों के खाने वाली चॉकलेट नहीं है। अच्छा अच्छा, चले मैं अभी तो बच्चा हूँ ना। चलो यार एक्सपर्ट भाई, अब आपको ये चीज हम आपके हवाले करने वाले हैं। चलो भाई हमारे हस्की भाई बहन दोनों उतर चुके हैं, पठान भाई के हाथ में आ चुके हैं। भाई 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 बहन नहीं, मियां बीवी, इतने प्यारे कुत्ते तो है, घर में क्यों नहीं रख रहे? यार मामा क्या बताया यार, हम तुमको इसको घर में नहीं रख सकता। ये है तो बहुत प्यारा, मगर हमारा जो अम्मा है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने हमको धमकी दिया, या तो ये रहेगा या तो तुम रहेगा। बस फिर आपसे बढ़कर कौन है? अगर मैं इनको रख लेता ना, अभी मेरी अम्मा मुझे घर से बाहर निकाल देती, और ये घर में मेरे बेड पर याशी कर रहे होते। शादी नहीं कराती वो अलग। अबे यार ये तो दुखती दर्द पर हाथ रख दिया पठान भाई आपने। आपकी वालदा ये आपको नहीं रखने दे रही तो कोई मसला नहीं, अब इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज और इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव चीज दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस जबरदस्त हो गया, कितना जल्दी लेकर आएंगे? बहुत जल्द इंशाल्लाह, अगले 2-3 वीडियो में ही नजर आ जाएगा। बस जबरदस्त हो गया, समझ रहे हो ना, फिर इससे भी ज्यादा कोई खतरनाक चीज होने वाली है। गैस करो तुम लोग के वो क्या चीज होने वाली है। सही है भाई, आप हस्की भाई को बड़ा हिफाजत से रखना, इनको खाना पीना सब कुछ देना, 1000 रुपए का रोज खाना खाता है ये। आप बेफिक्र हो जाओ, आपको इंशाल्लाह ऐसी अच्छी चीज देंगे आपके दिमाग से ये मिट जाएगा इंशाल्लाह। बस सही है सही है, थोड़ा प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गया था इससे यार। चलो यार पठान भाई चला गया हमारे डॉग्स को लेके, हस्की भाई और हस्की बहन को लेके पठान भाई निकल रहा है। बहुत याद आएगी हस्की भाई और हस्की बहन, कसम से इतना अफसोस हो रहा है ना, चले गए डॉग। खैर है, इससे ज्यादा अच्छी चीज को हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये तो नापाक होता है ना, इसका थूक वगैरह, इससे नमाज नहीं होती और कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, मतलब कपड़े बार बार चेंज करने पड़ते हैं, मम्मा को कपड़े धोने पड़ते हैं ना, तो मम्मा बहुत गुस्सा आती। चलो खैर है, हम कुछ अब ऐसी चीज़ लेकर आएंगे कि वो बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। वैसे हमारे पास छोटू जमजम है, मगर यार उसको मैं अपनी माँ से अलग नहीं कर सकता ना, क्योंकि वो दूध वूध पीता है, इस वजह से। बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल किस्म की वीडियोज़ आने वाली हैं, टेंशन मत लेना, फात भाई आपके हैं और आप फात भाई के हो। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।